सो यो भाई लोग कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग दोस्तों यार यहाँ पर बहुत अच्छे होंगे भाई और मजे कर रहे होंगे। जाहिर सी बात है यार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का दोस्तों माइकल द रॉयल फैमिली सीनियर मेंबर के लेटेस्ट और ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर गाइस। बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया आपने पिछले एपिसोड पर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बेसिकली मेरे वीडियोस के अंदर जितने लोगों यहाँ पर रिलेट कर पाते हैं, जिन लोगों को मेरे वीडियोस यहाँ पर अच्छे लगते हैं, तो मेक श्योर कि आप मेरे वीडियोस को दोस्तों यहाँ पर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एंड इस वीडियो का लाइक मैं 30,000 ही रखूँगा, 30,000 मोर देन इनफ है। तो प्लीज़ सॉरी ओ भाई मैंने कितना रखा, 30,000 3,000 मोर देन इनफ है। तो 3,000 लाइक का मैं प्लीज़ कंप्लीट करवा दो, एक लाइक कर दिया करो वीडियो को देखने के बाद। एक लाइक करने के बाद क्या बनता है यार, ठीक है चलो। तो पिछले एपिसोड में आप सभी लोगों को दोस्तों याद ही होगा, मैं अपनी यहाँ पर दोस्तों रूबीकॉन को मॉडिफाइड करवाने के लिए लिबर्टी सिटी आया था अपने बॉडीगार्ड के साथ। तो फिलहाल अभी मेरा बॉडीगार्ड ना दोस्तों होटल रूम में ही है, ठीक है। एंड मैं थोड़ा लिबर्टी सिटी घूमने के लिए निकल गया था क्योंकि आज हमारा लिबर्टी सिटी के अंदर दोस्तों पूरा मतलब ऑलमोस्ट GTA के यूनिवर्स के हिसाब से बताओ तो एक हफ्ता हो चुका है और मेरी गाड़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ठीक है। तो मैं आज आपको वो भी दिखाने वाला हूँ। और आज लिबर्टी सिटी के अंदर ना हमारा लास्ट डे है, तो आज ना मैं गाड़ी लेकर सीधा लॉस सैंटोस के लिए निकलूँगा क्योंकि मेरे पास रॉयल फैमिली के छोटे वारिस के भी फ़ोन वगैरह आए थे, ठीक है, और भी बहुत सारे कारनामे हैं, चलो बाद में बताऊँगा। और फिलहाल अभी ना यार मैं देखो, मैंने अपने लॉस सैंटोस के अंदर तो ये जो होती है ना मेट्रो ट्रेन होती है वो मतलब काफ़ी बार मैं घूमा हूँ, बट मैं पहली बार सबवे में घूमने वाला हूँ। सबवे बेसिकली यहाँ की लोकल ट्रेन ही है, जी हाँ ऐसे ही बोल सकते हो। एंड अभी तो यार मैं अपना इंतज़ार कर रहा हूँ और नेक्स्ट स्टॉप यहाँ पर सैन क्वेंटिन है, ठीक है। एंड मैं नीचे से आया हूँ दोस्तों, हो भाई फ्रैंकफर्ट आई, बढ़िया। आगे कुछ लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे लगता है अभी यहाँ पर ट्रेन के आने में ना थोड़ा सा वक्त लगने वाला है। मैं इधर भी देख रहा हूँ उधर भी देख रहा हूँ, बट अभी तक तो मेरे हिसाब से दोस्तों कोई भी ट्रेन नहीं है। और इस वाले मतलब लोकेशन पर ना ये मैडम देखो यार अभी यहाँ पर ना इंतज़ार कर रही थी ट्रेन का, एंड इनको लग रहा है कि ट्रेन आने में भी थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगेगा, इसलिए जा रहे हैं। एंड लिबर्टी सिटी के अंदर ना दोस्तों आज मैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी जाऊंगा एज अ घूमने के लिए, ठीक है। नहीं मैम अच्छा यहाँ पर आके बैठ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे यार अभी यहाँ पर दोस्तों इंतज़ार ही करना है, इंतज़ार के अलावा और मैं कुछ नहीं कर सकता फिलहाल। अभी देखो मुझे भी यहाँ पर पता नहीं है कितनी देर में वो जो सबवे यहाँ की आती है। ओ वेट आवर हिल सबवे आ भी गई, ओके। तो गाइज इस टाइप की है ट्रेन, ओके नाइस बढ़िया। तो गाइस सबवे आ चुकी है, एंड मेक श्योर इसके ज़्यादातर ना दरवाजे दोस्तों खुले ही रहते हैं, ओके। तो इस वाले स्टेशन पर भाई ये बिल्कुल खाली चल रही है, हाँ मुझे यहाँ पर किसी लोकल ने बताया भी था। आजकल लोग बागों ने ना ज़्यादा अपनी गाड़ियों के अंदर सफ़र करना दोस्तों अच्छा खासा प्रेफर कर लिया है, ठीक है। अब सबवे में ज़्यादातर लोग यहाँ पर सफ़र करते भी नहीं है, तो मैं ऐसा बस देखने वाला हूँ कि इस सबवे में सफ़र करके लगता कैसा है, ठीक है ना, नॉर्मली, और मैं कुछ भी नहीं, ठीक है। ओके तो जल्दी मेरे ख्याल से, ओके जल्दी है यार, नाइस। इसके दरवाजे नहीं बंद हुए क्या, ओ भाई 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 काफ़ी अजीब सा माहौल है यहाँ से, बेसिकली मैं देख सकता हूँ आगे का, ओके। तो गाइज आप सभी लोग यहाँ से नज़ारा तो देखिए क्या तगड़ा है। और मैं आपको बताऊँ ना ये जो सबवे है ना दोस्तों ये ऑटोमेटिक है, ठीक है, इसके अंदर कोई ड्राइवर वगैरह नहीं होता है। एंड यहाँ का नज़ारा तो देखिए कितना तगड़ा है, इसके दरवाजे क्यों नहीं बंद हुए, मेरी समझ में ये नहीं आया इसके दरवाजे वगैरह क्यों नहीं बंद हुए, दरवाजे तो बंद होने चाहिए थे, बट कोई ना हम यहाँ से देख पा रहे हैं। ओ भाई कैसे चलती है, खैर मैं इसी स्टेशन पर उतरूँगा, बढ़िया मेरा एक्सपीरियंस, रुक जा चल, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी हद तक अच्छा ही रहा, मैं बस ऐसे ना घूमकर देखने चाहता था। एंड लुक एट दिस स्टेशन यार गाइस, कितना ज़्यादा मतलब पुराना स्टेशन है भाई ये। और मेरे को नीचे जाने के लिए क्या करना होगा,
ऑल राइट तो मैं यहाँ से ना नीचे जा सकता हूँ। एंड मैं ये सोच रहा था यहाँ पर कोई टीटी वगैरह होगा या फिर कुछ भी, सबवे के लिए कुछ नहीं है दोस्तों, सबवे बस ऐसे ही चलती है, ये एकदम पुरानी वाली वाइब देती है दोस्तों न्यूयॉर्क की, ठीक है। तो जिसको मतलब ऐसी पुरानी वाली वाइब लेनी है तो भाई वो सबवे पर एक बार ज़रूर से सफ़र करके देखे, आपको बहुत पसंद आएगा, ठीक है। बहुत सही गाइज, तो फिलहाल अभी मैं यहाँ आ गया हूँ। एंड गाइज अभी ना मेरे को लिबर्टी सिटी जाना है, ठीक है। तो यार लिबर्टी सिटी जाने के लिए ना अब मैं उसी बाइक पर जाऊँगा, यहाँ पर लिबर्टी सिटी जो कि बाइक आपको याद ही होगा मुझे उसने दी थी, बट यार वो बाइक लेने के लिए मुझे दोबारा से अपने होटल जाना पड़ेगा। अब मैं अपने होटल तो जा नहीं सकता, चलो देखते हैं दोस्तों कुछ सीन वगैरह यहीं पर करते हैं, उसके बाद बताता हूँ आपको। कुछ ना कुछ तो दोस्तों यहाँ पर मिलेगा ही, ज्वेलरी की भी दुकान है, ज्वेलरी एंड गोल्ड, काफ़ी मस्त सिटी है वैसे जो बात बोलो तो भाई यहाँ पर, ठीक है ना। खैर मैं देखता हूँ कहीं से अगर मुझे कोई गाड़ी वगैरह रेंट पर मिल जाए तो भाई मज़ा ही आ जाए। ओके तो गाइज यार मैंने ना टैक्सी ले ली थी, एंड टैक्सी लेकर मैं रॉयल फैमिली के बेस पर आ गया हूँ। एंड मैं रॉयल फैमिली के बेस पर ना गाइज इसलिए आया क्योंकि देखो मुझे गाड़ी उठाने के लिए अब बॉडीगार्ड को लेना पड़ता, लिबर्टी सिटी में कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है, और बेसिकली मैं एक तरीके से लिबर्टी सिटी का सीनियर मेंबर हूँ ये समझ लो। यहाँ पर पूरी जगह पड़ना दोस्तों रॉयल फैमिली का ही राज है जैसे कि आप सभी लोगों को पता है। तो मैं इनकी इस लोकेशन पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर एक गाड़ी मिल सके लिबर्टी स्टैचू तक जाने के लिए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी तक जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर ना मेरा घूमने का बहुत ज़्यादा मन है। और मैं सोच रहा हूँ यार अगर मैं अब आया हूँ ना तो वहाँ पर घूम कर ही चलता हूँ। एंड मुझे ना यहाँ पर रॉयल फैमिली के छोटे वारिस को इन्फॉर्म करने की कोई नीड नहीं है अगर मुझे यहाँ से कोई गाड़ी लेनी है। देखो इम्प्रेशन अच्छा डालना है ना यहाँ पर तो कोई तगड़ी सी गाड़ी उठा लेता हूँ, बट यहाँ पर भी बहुत सारी कार्स हैं। आपको याद ही है यार मैं पिछली बार यहाँ पर आया था एंड कितनी सारी मैंने आपको गाड़ियाँ दिखाई थी, बट इस बार तो काफ़ी कम कार्स यहाँ पर जो है दोस्तों नज़र आ रही हैं। इस बार अंदर भी कोई गाड़ी नहीं है, पिछली बार आपने देखा होगा अंदर कितनी सारी कार्स खड़ी थी। बढ़िया, फिलहाल अभी मुझे लगता है ना अभी वर्कर्स वगैरह आए नहीं है, छुट्टी है। हाँ मेरे को भी ऐसे ही लग रहा है छुट्टी है दोस्तों, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं ना यहाँ पर उसे एक बॉडीगार्ड से बात करता हूँ एंड फिर ना एक गाड़ी लेकर चलता है, बाद में ना दोस्तों यहाँ पर खड़ी कर दूंगा लाकर उसे। ऑल राइट तो चलिए, मुझे ना यहाँ पर ज़रा एक गाड़ी लेकर जानी है। शुक्रिया शुक्रिया। तो गाइज यहाँ पर मेरी ना इससे बात हो चुकी है, गाइज ये यहाँ पर बोल रहे हैं सर आपको भी यहाँ पर इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप रॉयल फैमिली के सीनियर मेंबर जो हैं। तो भाई देखो यार मुझे तो पता ही था कोई मना नहीं करेगा। अब ना एक गाड़ी उठा लेता हूँ कोई तगड़ी सी, ये लैम्बोर्गिनी हुरैकन काफ़ी तगड़ी लग रही है भाई, बट मैंने लैम्बोर्गिनी ना पहले भी चला रखी है, यहाँ पर भी लैम्बोर्गिनी चला करना। कौन सी गाड़ी लूँ यार गाइस, बहुत सारी कार्स यहाँ पर खड़ी हैं। एक काम करूँ फरारी SF90, फरारी SF90 भी काफ़ी अच्छी है, बट एक काम करता हूँ यार ये लैम्बो ही ले लेता हूँ, ऑरेंज वाली है ना, इसी में चलते हैं, छोड़ो ये तगड़ी लग रही है। नाइस, गाइस फाइनली हमें गाड़ी भी मिल गई। भाई अभी मैं गाड़ी ढूंढ रहा था अपने लिए यहाँ पर जाने के लिए, एंड इसी के साथ हमें कार भी मिल ही चुकी है। चलिए बहुत बढ़िया, अब निकलते हैं यार यहाँ से। बट मेरे को ना ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों बारिश वाला मौसम हो रहा है एंड मेरा ना पूरा ट्रिप यहाँ पर ख़राब हो सकता है यार। शिट यार बारिश को भी तभी आना होता है यार गाइस, क्या ही कर सकते हैं दोस्तों, बट चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है यार। ओके तो यहाँ पर भी कोई क्लब है, ऑल राइट, बट मैं इस टाइप के क्लब्स में नहीं जाता क्योंकि ये गंदी लोकेशंस होती हैं एंड यहाँ पर जाकर कोई फ़ायदा नहीं है। चलो गाड़ी को भगाते हैं फुल स्पीड में, क्या ही कार चल रही है यार। ओके ये तो वही टैक्सी वाला है ना जो मेरे को यहाँ पर छोड़ कर गया है, ये नाइस बढ़िया। गाइस स्टैचू ऑफ लिबर्टी का रास्ता ना यहाँ से अभी काफ़ी दूर है, कम से कम मेरे को आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे की ड्राइव है वहाँ तक जाने के लिए। कोई ना
आधा घंटा तो मैं ऐसे पार कर दूंगा, ऐसे चुटकी बजा के पार कर दूंगा, ठीक है। तो चलो यार चलते हैं, अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हैं एंड लिबर्टी सिटी आज आपको दिखाऊंगा दोस्तों। सॉरी लिबर्टी सिटी नहीं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाऊंगा आपको गाइस, मतलब कितना खतरनाक लगता है यार वो। चलिए ओके। तो गाइस यार यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा बारिश हुई है अभी एंड अब तो खैर गाइस यहाँ पर बारिश रुक चुकी है। आप सभी लोग रोड पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी भरा पड़ा है। जिस इलाके से मैं आया हूँ ना वहाँ पर बारिश स्टार्ट हुई थी एंड गाइस यार यहाँ पर बारिश मेरे ख्याल तब हो रही होगी, तभी तो यहाँ पर रोड पर इतना ज़्यादा पानी पानी हो रखा है। खैर जो भी हो ना गाइस काफ़ी अमेजिंग है, बहुत बढ़िया। चलो आराम आराम से, ठीक है मैं फाइनली उस लोकेशन पर पहुंच गया हूँ। बट मेरे को ना लिबर्टी सिटी जाने के लिए ना यहाँ से बेसिकली एक टिकट परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। ऑल राइट, तो मैं इस कार को ना इधर लगा देता हूँ। अब क्या ही इम्प्रेशन पड़ेगा लिबर्टी, वहाँ तक स्टैचू ऑफ लिबर्टी तक जाने के लिए मैं इसको तो लेकर जाने नहीं वाला कार को। चलिए कोई ना, अपनी लैम्बॉर्गिनी को यहीं पर खड़ी करते हैं एंड मुझे ना यहाँ से एक टिकट परचेज़ करना है जो कि मैं सी शार्क ले सकता हूँ, कोई बोट ले सकता हूँ, देखते हैं यहाँ पर मिलेगा क्या। ओके तो वहाँ पर मुझे ना बहुत सारी सी शार्क नज़र आ रही हैं, ये देखिए। बट इनको लेकर कैसे जाना है। ओके लोग नॉर्मल लोग दोस्तों यहाँ से जाते हैं, मैं इधर से भी जा सकता हूँ। ये सही है, ये सही है, चलो। बहुत बढ़िया। मौसम ना अभी भी बादल बादल टाइप हो ही रखे हैं यार। एक्सक्यूज मी सर, मेरे को सी शार्क चाहिए जी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी तक जी। ऑल राइट तो गाइज यहाँ पर उन्होंने बोला है कि आप वो रेड वाली वहाँ से उठा सकते हैं एंड $100 हैं दोस्तों, और जो $100 है मुझे आने के बाद पे करने हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। लिबर्टी सिटी में ना हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा महंगी है, $100 वो भी एक सी शार्क के, काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव टाइप है। अब भाई मैं उसको रेड वाली को कैसे उठाऊँ, मेरे सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। ओके कौन से को उठाऊँ, ये ब्लैक ही सही है यार, या उसको उठा सकता हूँ मैं। ओ चलो यार गीले हो तो गीले हो, कोई ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, अब क्या ही कर सकता था यार मैं भी। चलो फाइनली उठा ली। ओके तो गाइस मेरे को सी शार्क मिल चुकी है। ओ क्या बात है भाई, नाइस आराम से। अब गाइस इससे हम जाएंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वैसे बोट वगैरह भी जाती है बट हम इसी से जा रहे हैं, चलो सही है कोई ना। गाइस आप सभी लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी सामने देख सकते हैं, ओ भाई ये नज़ारा तो देखिए, शायद से आपको ये नज़ारा फिर कभी ना देखने के लिए मिले। बहुत सही, ओके भाई ये जेट्स की ना भाग भाग ना जाए तो मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहूँगा, किसी की अमानत है, अटक जाएगी ना, अटकी हुई है, सही है, नाइस। मैं नहीं चाहता भाई किसी की अमानत वमानत यहाँ पर ख़राब हो। तो गाइस यार स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर मैं फाइनली आ चुका हूँ एंड यहाँ का ना वेदर काफ़ी मतलब बारिश वाला हो रहा है यार, वेदर ठीक रहना चाहिए था यार स्टैचू ऑफ लिबर्टी का, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे ना ज़रा एक फ़ोटो भी लेनी है। ओके ये क्या चीज़ है भाई, यहाँ पर ना फ़ोटोज़ वगैरह भी हैं बट ये किसकी फ़ोटोज सेल हो रही हैं भाई, लोगों ने पेंटिंग्स वगैरह बनवा रखी है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की है, ये पेंटर्स वगैरह हैं दोस्तों। ओके ये पेंटर्स वगैरह है जो कि यहाँ पर पेंट वगैरह करते हैं, नाइस भाई इनका अपना कारोबार वगैरह होगा यार यहाँ का, और ही क्या, बढ़िया। हॉट डॉग्स वाले हैं बस, नॉर्मली कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पर मिलते हैं आपको, बाकी स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखिए गाइस वो रही एंड मेरे को ना अपने लिए एक फ़ोटो क्लिक करनी है यार, बहुत सही। अरे आराम से,
दूसरी तरफ से करूँगा यार, यहाँ से ना कुछ भी फोटो अच्छी नहीं आएगी यार, दूसरी तरफ चलता हूँ इसके, एक बार ऊपर चढ़ने की भी कोशिश करूँगा। ओके तो गाइज यार मैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पर बेसिकली स्टेयर्स लगी हुई हैं और नॉर्मल बंदों को ना ये ऊपर आने नहीं देते हैं, आपके पास एक स्पेशल परमिशन होनी चाहिए एंड यू नो आई एम अ सीनियर मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली, तो भाई मुझे कैसे मना कर देते। तो यहाँ से ना चारों तरफ का व्यू काफ़ी तगड़ा लग रहा है, बिल्डिंग्स देखिए कितनी ज़्यादा तगड़ी लग रही है भाई। मैं तुम्हें ना बता सकता हूँ यार, ये जो सिटी है ना ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी सिटी है यार दोस्तों। और मैं लॉस सैंटोस की बात करूँ ना, ये लॉस सैंटोस से भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप है और काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ी सिटी है यार। एज यू कैन सी गाइज मतलब कितनी बड़ी सिटी है दोस्तों। एंड यहाँ पर ना भाई यहाँ की पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है यार, बहुत सही बहुत तगड़ी, मेरे को तो काफ़ी मज़ा आया। चलिए यहाँ से ना मैं जंप मारूँगा एंड देखते जाइए आप सभी लोग। ओ ओ ओ ओ शिट यार, ये तो पोपट हो गया गाइज मेरे साथ ही, मैं पैराशूट खोलने वाला था बट मेरा पैराशूट ही नहीं खिला यार। चलो कोई ना, बड़ा मज़ा आया बट जो भी है भाई फनी सीन हो गया मेरे साथ। चलिए नीचे को चलते हैं, ज़रा नीचे देख लेते एक बारी नीचे क्या चीज़ें हैं। ए ओ ओ ओ ओ ओ ओ, 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 ओ भाई माइकल भी हालांकि गिरता पड़ता इंसान है। एंड यहाँ पर भी ना कुछ पेंटर्स वगैरह ही हैं जो कि अपनी पेंटिंग को पेंट करते हैं, ठीक है ये लोगों की पेंटिंग्स वगैरह बनाते होंगे पक्का। एंड स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बहुत सारी फेमस पेंटिंग्स वगैरह हैं। चलो यहाँ का फेमस हॉट डॉग खाकर देखते हैं फिलहाल इनका हॉट डॉग वगैरह किस टाइप। नाइस नाइस बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। तो गाइज मैं इनका हॉट डॉग खा रहा हूँ एंड मैंने पहली बार ना लिबर्टी सिटी में हॉट डॉग ट्राई किया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है बहुत बढ़िया, मेरे को तो काफ़ी मज़ा आया दोस्तों स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर आने के बाद। मैंने अपने बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करे, बहुत अच्छा पीछे का सीन देखिए कितना ज़्यादा तगड़ा है। बट एक चीज़ है यहाँ पर ना, अभी बादल बहुत ज़्यादा हो रखे तो बारिश वाला मौसम हो रहा है, ठीक है बारिश कभी भी आ सकती है तो मैं फालतू रिस्क वगैरह नहीं लेने वाला हूँ। मुझे अपनी रूबीकॉन भी उठानी है एंड शाम होने से पहले ना मुझे लॉस सैंटोस के लिए भी निकलना है, तो बहुत सारे काम है। अब मैं बेफालतू में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, वो सी शार्क उठाता हूँ, चलता हूँ उस बंदे के पास, उसको $100 पकड़ाता हूँ एंड निकलते हैं फिर अपनी गाड़ी के लिए। भाई ये चीज़ मेरे को काफ़ी तगड़ी लगी भाई लिबर्टी सिटी पर आने के बाद। वहाँ पर ना शायद किसी चीज़ की दुकान है, वेट अ सेकंड, इस चीज़ को तो मैं ज़रूर देखना चाहूँगा, यहाँ पर कुछ फेमस वगैरह मिलता होगा तो जिमी के लिए मैं ज़रूर लेकर चलूँगा। बट ऐसा नहीं है यहाँ पर, स्मोकिंग के लिए सिगरेट वगैरह चॉकलेट्स वगैरह चिप्स वगैरह न्यूज़पेपर वगैरह हैं मैगजीन्स हैं कुछ बस और कुछ नहीं। तो गाइज हॉट डॉग काफ़ी मस्त था, तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। वो सब तो ठीक है, आप $100 जो चार्ज कर रहे हैं ना इस चीज़ के लिए वो भी एक सी शार्क के लिए वो बहुत ज़्यादा है, हाँ लॉस सैंटोस में काफ़ी कम है। ये बात भी, यहाँ के टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो गाइज मैंने ना इसको $200 दिए, सोनी 200, बस वो ऐसे ही भाई थोड़ा मतलब लगता है कि भाई मैं लैम्बोर्गिनी में आया हूँ, उसको लग रहा था कि मैं कोई बहुत अमीर आदमी हूँ, तो मतलब ऐसा देना थोड़ा बनता है, ठीक है। अब मैंने इतनी बड़ी चोरी की है, आपको पता होगा मैंने ट्रक्स मिलिट्री वेस से चोरी किए थे तो हमें इतना पैसा मिला है दोस्तों, तो यार हम इतना तो कर ही सकते हैं ना। एंड दोस्तों जो मेरे हिस्से का पैसा था ना 25% था चोरी वाली मनी का, जो आपने पिछले एपिसोड में देखी होगी, तो गाइस उसका पैसा मेरे बैंक में जो क्रेडिट हो चुका है, ठीक है, जो कि रॉयल फैमिली के छोटे वारिस ने कर दिया था। तो अब ना मैं एक बहुत तगड़ी सी सुपर कार भी ले सकता हूँ, ठीक है रूबीकॉन के साथ। तो मैं सोच रहा हूँ भी कोई तगड़ी सुपर कार लेंगे लॉस सैंटोस पहुँचने के बाद, ठीक है यहाँ से नहीं लेने वाला मैं, लॉस सैंटोस से लूँगा, ठीक है यहाँ से भी यहाँ से नहीं लॉस सैंटोस से लेंगे। वैसे मैं यहाँ से भी लेकर जा सकता हूँ बट फिर इम्पोर्ट करानी उसको साथ लेकर जानी और रास्ते में कुछ स्क्रैचेस वगैरह आ जाएँ कुछ भी हो जाए तो बहुत दिक्कत है भाई, बहुत सिर का जंजाल है। नंबर प्लेट लेने के लिए दोबारा यहाँ पर आना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, बहुत लफड़े हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा। तो मैं ना लॉस सैंटोस से ही गाड़ी परचेज़ करूँगा, ठीक है अपने लिए। तो चलिए गाइस फिलहाल अभी हम यहाँ से जो निकल रहे हैं रॉयल फैमिली के उस लोकेशन के लिए, उसके बाद ना या फिर एक काम करता हूँ मैं रॉयल फैमिली के उस लोकेशन के लिए क्यों निकलूँ, मुझे अपने बॉडीगार्ड को भी उठाना है
एक काम करूँगा मैं ना बॉडीगार्ड को एक गाड़ी दे करना तो रॉयल फैमिली के मतलब लोकेशन पर छुड़वा दूंगा एंड मैं उस गाड़ी को लेने चले जाऊँगा अपनी रूबीकॉन को, ठीक है ना। फिर मैं बॉडीगार्ड को सीधा उठा लूँगा, फिर हम एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। ऑल राइट गाइस, ये चीज़ एकदम मेरे को बहुत तगड़ी लगी, ठीक है ना, ऐसे ही करते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं यार यहाँ से, बढ़िया आराम से चलो। ओके तो गाइज यार फाइनली दोस्तों, सबसे पहले तो मैं होटल में ही रुका क्योंकि मेरे बॉडीगार्ड ने बोला था कि सर आपको अकेले वहाँ पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि खतरा भी हो सकता है, हम किसी दूसरे पर इतना भरोसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली वो मेरी बंदा मेरी गाड़ी मॉडिफाइड कर रहा है, बट यार बॉडीगार्ड ने मेरे को अकेले जाने नहीं दिया। तो मैं होटल में ही पहले दोस्तों इंतज़ार कर रहा था, बॉडीगार्ड सबसे पहले गया दोस्तों, जो मैं लैम्बॉर्गिनी हुरैकन लेकर आया था ना भाई उसको वापस करके आया। देन अब हम उस बंदे की बाइक से दोस्तों उसी की लोकेशन पर जा रहे हैं, वो जो मैकेनिक था ना। एंड मुझे उम्मीद है यार 6x6, पहले ना मेरी जो रूबीकॉन थी ना 4x4 थी दोस्तों, उसने बोला था कि हम आपकी रूबीकॉन को बिल्कुल चेंज कर देंगे, 6x6 बना देंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी गाड़ी को देखने के लिए कि मेरी गाड़ी किस टाइप की रहने वाली है भाई। बाकी बॉडीगार्ड का बच्चा देखो यार क्या ही कर रहा है भाई, बॉडीगार्ड का अलग ही तगड़ा सीन चलता रहता है। एक काम करते हैं इस वाली गली से चलते हैं यार, ये ना मुझे लगता है उस लोकेशन के बिल्कुल पास ही है, वहाँ पर एक बर्गर की भी शॉप है। अब तो खैर ना दोस्तों मुझे यहाँ के ना रास्ते धीरे धीरे ना सारे के सारे पता ही चल गए हैं, ऑलमोस्ट सभी रास्तों के बारे में पता चल गया है, तो इजीली पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया। ऑल राइट, ये रहा दोस्तों बर्गर शॉट एंड यहाँ से हमें सीधा ही निकलना है, फाइनली आ गए हम। एंड मैं तो भाई ये सोच रहा हूँ कि मतलब ये बंदा इसने मेरी गाड़ी को कैसा बना दिया होगा यार, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार ये चीज़ सोच कर। तो फाइनल चलो आ गए यार हम उस लोकेशन पे। भाई साहब मैं फाइनली आ तो गया यार, वेट अ सेकंड दोस्तों, चलो सबसे पहले ना मैं अपनी गाड़ी को इस वाली बाइक को बेसिकली अपनी नहीं इस वाली बाइक को इधर लगा देता हूँ। एंड भाई साहब ये मेरी गाड़ी है क्या, वेट अ सेकंड मैं ना पहले बातचीत कर लेता हूँ। ओके तो यार गाइज ये फाइनली यार मेरी ही गाड़ी है। एंड यार आप सभी लोग कार तो देखिए, मेरे ना उस बंदे से बात हो चुकी है। एंड मेरी गाड़ी देखिए आप सभी लोग कितनी ज़्यादा तगड़ी लग रही है भाई, मेरी रूबीकॉन फ्रंट से चेक करिए एंड साइड से एंड इधर से, भाई साहब पीछे से तो देखिए भाई, पीछे मेरा मेजी पर्सनल बेसिकली नंबर प्लेट भी लगी हुई गाड़ी की। ओके यहाँ पर भी जीप वगैरह दोस्तों, एंड साइड से तो देखिए यार ये किस तरीके से कीले वाले ये निकाले गए हैं भाई, मेरी पूरी रूबीकॉन को ही चेंज कर दिया गया है। एंड गाइज मैंने फाइनली यहाँ पर जो पेमेंट वगैरह डन कर दी है, एंड इसके ऊपर कितना खर्चा आया, क्या हुआ क्या नहीं, कितने पैसे लगे हैं मेरे, वो सब कुछ गाइज मैं यहाँ पर ना आपको बताऊँगा, ठीक है। बट अभी ना हमें एयरपोर्ट के लिए भी निकलना है, ठीक है। तो चलिए काम करते हैं दोस्तों, चलिए हम सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं, अपनी गाड़ी को उठाता हूँ मैं। अच्छा भाई बॉडीगार्ड, पहली बार अपनी गाड़ी के अंदर बैठ रहा हूँ। ओके ओ भाई लाइट चेक करो फ्रंट से, बॉडीगार्ड जल्दी आ। ओके आगे चल के कर ले चेक कोई ना। तो गाइस बॉडीगार्ड कह रहा है मुझे ना एक बार गाड़ी की तलाशी लेनी होगी, आ जा। क्या तगड़ी लग रही है ना गाड़ी, लाइट चेक करो इस कार की भाई साहब, मतलब लग रहा है कि हाँ भाई गाड़ी ली है। चल बॉडीगार्ड अब बैठ जा। नाइस भाई, मेरे को तो देखो गाड़ी बहुत तगड़ी लगी। एंड मैं ना इस कार को यहाँ से भी जंप करा सकता हूँ, कुछ नहीं होगा। ओ इतने पैसे भाई ऐसे ही थोड़ी ना दे दिए मैंने, कितने पैसे ऐसे ही दे दिए भाई। गाड़ी चेक करिए अच्छे से भाई, क्या तगड़ी कार मॉडिफाइड की है भाई बंदे ने। एंड मैंने ना अपनी कार के अंदर क्या क्या कराया तुम्हें ना हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैं यहाँ पर दूंगा। तो सर तो ये लाइट ऑफ करता हूँ, पूरा इंटीरियर चेंज हो गया दोस्तों, ये देखिए पूरा इंटीरियर चेंज हो चुका है, सीट्स कस्टमाइज लग चुकी हैं, हर चीज़ भाई एकदम तगड़ी बन गई गाड़ी की, हर चीज़ तगड़ी बन गई, बहुत बढ़िया लग रही है। चलो दोस्तों अब सबसे पहले ना मैं इस कार को एयरपोर्ट की तरफ लेकर चलता हूँ। हम इस गाड़ी को ना बेसिकली कंटेनर में लेकर आए थे एंड कंटेनर का इंतज़ाम करेंगे वहाँ पर जाकर, ठीक है, वो तो बेसिकली एयरपोर्ट पे हमें मिल ही जाएगा। बट गाड़ी तो भाई बहुत ही ज़्यादा सही है,
चलो आराम आराम से चलेंगे गाइस दोस्तों। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली मैं लिबर्टी सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं। भाई क्या गाड़ी लग रही है भाई, मतलब मैं क्या ही बोलूं। आप फ्रंट से तो चेक करिए दोस्तों गाड़ी को, एंड सबसे अच्छी ना मुझे इस गाड़ी की दोस्तों ग्रिल वगैरह लगी है जो दोस्तों मॉडिफाइड हुई है। बाकी हमारा कंटेनर और बेसिकली हमारा हेलीकॉप्टर यहीं पर खड़ा है, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, उसको भगा कर देखता हूँ गाड़ी को। ओ क्या बात है, भगाऊं? मुझे ना थोड़ा सा इस गाड़ी की ना ब्रेकिंग के ऊपर काम कराना पड़ेगा, वो तो चलो मैं बेनी से भी करा ही लूँगा। गाड़ी वाकई में बहुत तगड़ी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। चलो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले ना इस गाड़ी को हमें इस कंटेनर के अंदर डालना होगा दोस्तों, ठीक है। कंटेनर में डालेंगे इस गाड़ी को, एंड गाइस फिर देखिए अब यहाँ पर सीन क्या होता है। बाकी गाड़ी तो बहुत तगड़ी लग रही है। बॉडीगार्ड इधर आना, रुक जा। अरे बॉडीगार्ड ड्रिफ्ट मार रहा है गाइस, यार बॉडीगार्ड भी ना अलग ही मज़े ले रहा है यार गाड़ी को देखकर, क्योंकि यार गाड़ी लगी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल रही है, मैं आपको क्या ही बताऊं। अरे बॉडीगार्ड गाड़ी गाड़ी की लाइट जला, गाड़ी की लाइट जला, इधर दिखा के गाड़ी की लाइट चला। भाई साहब गाइस मैन आपको अपने फ़ोन से ना देखो फ़ोन चला कर दिखाता हूँ, रुको ज़रा। ये रहा मेरा फ़ोन, फ़ोन का कैमरा, एंड गाइस अब चेक करिए। बॉडीगार्ड गाड़ी की लाइट ऑफ कर, हाँ और ऑन कर। अब ऑफ कर दे, पहले ऑफ कर दे गाइस। अब आप सभी लोग देखिए ये लाइट्स हैं जो कि लगाई गई हैं, ठीक है। एंड अब ऑन कर। ओ भाई ये देखिए क्या ही माफिया वाला लुक आ रहा है भाई अपनी कार का। आपको कैसी लग रही है, डेंजरस लगी या फिर नहीं लगी अपनी रूबीकॉन, अब बताओ भाई, ठीक है। तो यार बॉडीगार्ड तो मज़े लेता ही रहेगा। बाकी हम इसको ना बेसिकली इसमें डालते हैं, एंड ये वाला हेलीकॉप्टर हम इसलिए लेकर जा रहे हैं क्योंकि पिछली बार जो हम हेलीकॉप्टर लेकर आए थे ना वो चिंबक से चिपक के आया था दोस्तों, वो वाला हेलीकॉप्टर ना ज़्यादा ठीक नहीं था, तो हमने ये वाला हेलीकॉप्टर रेंट पर ले लिया। एंड डॉक्स वालों ने ना जिनसे हमने वो हेलीकॉप्टर लिया था उन्होंने अपना बंदा भेजकर वापस मंगवा लिया, ठीक है। तो हम इस वाले हेलीकॉप्टर से लेकर चलेंगे भाई, ये ज़्यादा सही रहता है, हमने इसकी बुकिंग की थी। आजा भाई बॉडीगार्ड आजा, क्या मजे लेता रहेगा। चल आजा इस कंटेनर को खोलते हैं और इसको दोस्तों गाड़ी को ना फटाफट कंटेनर के अंदर खड़ा करते हैं, एंड गाइस फिर ना हम यहाँ से दोस्तों निकलते हैं अपना लॉस सैंटोस के लिए। भाई एक नंबर जीप रूबीकॉन लग रही है, एंड मुझे ना इस गाड़ी का यहाँ पर मैं ना कुछ नेम रखना चाहता हूँ इस कार का, ठीक है। तो मुझे इस गाड़ी का नेम क्या रखना चाहिए प्लीज़ एक बारी ना सजेस्ट कर दो दोस्तों कमेंट बॉक्स में, मुझे इस गाड़ी का नाम क्या रखना चाहिए, ठीक है, फिर मैं गाड़ी का नाम वही रखूँ। तो गाइस फाइनली अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, एंड हमारी गाड़ी दोस्तों इस ट्रेलर के अंदर है बेसिकली कंटेनर में, एंड भाई साहब गाड़ी देखो भी किस तरीके से यहाँ पर हिल रही थी। चलिए सबसे पहले ना मैं थोड़ा ना भाई गाड़ी को मतलब ऊपर लेकर चल जाता हूँ थोड़ी हाइट पर हेलीकॉप्टर को भी। ओके बढ़िया, तो एक थोड़ी हाइट पर आ जाएगा ना तो भाई थोड़ा डर वर नहीं होता, क्योंकि तुम्हें पता ही है यार यहाँ की बिल्डिंग्स कितनी बड़ी बड़ी हैं दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं यार यहाँ की। एंड चलो अपनी गाड़ी को लेकर हम सीधा लॉस सैंटोस के लिए निकल रहे हैं। बाकी दोस्तों मुझे लग रहा है ना मेरी गाड़ी का पक्का कुछ ना कुछ तो ख़राब हो ही जाएगा, क्योंकि आप ट्रेलर को देख सकते हैं भाई ये बस ना हुक के ऊपर लटका हुआ है भाई ये कंटेनर, एंड थोड़ा सा ना भाई इसको उड़ाने में भी ना तकलीफ सी हो रही है यार। ये देखो ये कंटेनर ना मेरे को एक तरफ खींच रहा है दोस्तों, गाड़ी बहुत भारी है यार रूबीकॉन। चलो कोई ना यार, अब किसी ना किसी तरीके से तो लेकर जाना ही था, वैसे ही सही बढ़िया। मेरे हिसाब से दोस्तों लॉस सैंटोस पहुँचते पहुँचते ना रात ही हो जाएगी, ठीक है, हम रात तक ही या शाम तक ही लॉस सैंटोस पहुँच पाएंगे। अभी 6-7 घंटे लगेंगे दोस्तों, या फिर रात हो सकती है, अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 बज रहे हैं, तो पहुँच जाऊँगा मैं आराम से 9-10 बजे तक। चलो कोई ना, फाइनल दोस्तों हम चलते हैं सीधा, और अब आपसे मैं मिलूँगा सीधा लॉस सैंटोस में, ठीक है ना। चलिए ऑल राइट गाइज, तो यार फाइनली मैं दोस्तों लॉस सैंटोस पहुंच गया हूँ,
एंड यार मुझे पता ही था दोस्तों लॉस सैंटोस पहुँचते पहुँचते ना मेरे को रात हो जाएगी, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है यार। एक तो भाई ये कंटेनर भी ना, एंड यार आप सभी लोग वो देखिए वहाँ पर चांद कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है भाई। एंड यहाँ तो भाई एकदम मज़ा ही है, चलो बढ़िया। बाकी लॉस सैंटोस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है दोस्तों आज तो। अब ना मैं अपने हेलीकॉप्टर को काफ़ी आराम आराम से नीचे उतारूँगा और इस कंटेनर को भी बहुत इजीली मेरे को नीचे उतारना पड़ेगा, वरना भाई दिक्कत हो सकती है, गाड़ी वाड़ी डैमेज हो जाएगी बेफालतू में, और कुछ नहीं होगा। अबे अबे भाई ये हेलीकॉप्टर, यार ये हेलीकॉप्टर ना सीन कर रहा है दोस्तों, बट गाड़ी में मेरी इतनी भी डैमेज नहीं होगी अगर कुछ हुआ भी, बट ये हेलीकॉप्टर सीन कर रहा है। चलो आराम से 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 लैंडिंग करवाऊंगा भाई। बढ़िया 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 बढ़िया, चलो नाइस गाइस। मतलब कितनी दिक्कतों का यार मेरे को सामना करना पड़ा यार, मैं आपको बता नहीं सकता। बट बाकी और आज चांद देखिए और सितारे देखिए कितने ज़्यादा आसमान में है दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो चलो अब इस कंटेनर के अंदर से हम अपनी गाड़ी को बाहर निकाल लेते हैं। अरे वो कहाँ गया बॉडीगार्ड? जाओ एक काम करो, इसके अंदर ना हेलीकॉप्टर के अंदर ना एक टूल बॉक्स पड़ा है जिससे कि हमें लॉक्स वगैरह खोलने हैं, वो टूल बॉक्स उठा के लाओ, जाओ जल्दी से। हेलीकॉप्टर के अंदर है, बैक तरफ है, जल्दी जाओ। एक तो यार बताऊँ क्या, ये जो कंटेनर होता है ना इसको नॉर्मल तरीके से नहीं खोला जा सकता, नीचे इसके जो क्लिप्स लगे हुए हैं ना लोहे के, यहाँ तो उन्हें कट करना पड़ेगा तब जाकर भाई ये खुलेगा। बहुत पैकेजिंग वगैरह होती है भाई तभी जाकर ही खुलता भी है, बहुत बढ़िया। कहाँ रह गया बॉडीगार्ड? बॉडीगार्ड जल्दी आ भाई, इसको सामान मिलता भी है भाई या नहीं मिलता, क्या ही बोलूँ यार मैं, लाया है नहीं। अरे यार आ गया आ गया आ गया, चलो टूल बॉक्स लेकर आ गया दोस्तों। ओके तो गाइस यार फाइनली, अरे मेरी बात सुन, इसको उसको टूल किट को ना गाड़ी के अंदर ही रख दे पीछे की तरफ, जा जल्दी से। तो गाइस यार मैं आपको बताना चाहूँगा, फाइनली मैंने गाड़ी अपनी निकाल ली है एंड कुछ भी स्क्रैच वगैरह नहीं आए। हाँ अगर आए भी होंगे ना तो भाई सुबह ही दिखेंगे, अभी तो इतनी ज़्यादा रात हो रही है कुछ नहीं दिखने वाला। तो चलो अपनी गाड़ी को फटाक से स्टार्ट करते हैं, निकलते हैं अब घर के लिए। जिमी भी इंतज़ार कर रहा हूँ घर पर। ये देखिए ये नॉर्मल है, एंड ये चेक करें आप सभी, अगर मैं चाहूँ इस तरीके से भी लाइट जला सकता हूँ, एंड अगर मुझे बीस्ट मोड ऑन करना है तो मैं रेड वाली चलाऊँगा। बढ़िया नाइस बढ़िया। एंड इंडिकेटर के लिए ना साइड में दिया गया है। चलो गाइस आपको गाड़ी कैसी लग रही है? मेरी रूबीकॉन ड्रिल है भाई, है परमीश वर्मा वाली, चेक करो। बाकी गाइस यार फटाफट जल्दी से कमेंट करके बता दो मुझे अपनी रूबीकॉन का यहाँ पर नाम क्या रखना चाहिए, ठीक है? मैं काफ़ी तगड़ा सा नाम ना सोच रहा हूँ इसके लिए। अबे खोल तो दिया करो भाई, घोंचू पता नहीं किस टाइप के लोग हैं यार। चलो कोई ना, मज़ेदार एक नंबर तगड़ा सीन है दोस्तों। गाड़ी भी यार वाकई में बहुत मस्त लग रही है भाई। ये ना नॉर्मल कार्स को ना इजीली दबा सकती है, अगर मैं आपको ये चीज़ बताऊं तो इजीली दबा देगी, ठीक है? एंड कहीं पर भी अगर मैं चढ़ाना चाहूँ ना, जैसे कि मुझे गाड़ी को ना यहाँ पर चढ़ाना है, अभी देखते जाइए कितनी इजीली भाई, इजी है इस कार के लिए कहीं पर भी चढ़ना और कैसे ही चलना। इस कार के लिए ए टू जेड सारी चीज़ें इजी हैं भाई, सारी चीज़ें इजी, सारी की सारी। चलो बढ़िया, जल्दी से भगा कर इस गाड़ी को अपने घर पर लेकर चलता हूँ। ऑल राइट गाइज, तो फाइनली दोस्तों मैं ना अपने घर पर पहुँचने वाला हूँ, एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार जिमी को ये गाड़ी दिखाने के लिए, ट्रेवर को ये कार दिखाने के लिए, वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होंगे यार, क्या बात है। एंड जिसने हमारे वीडियो को दोस्तों यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट जल्दी से बता दीजिए भाई मेरे घर का यहाँ पर नंबर क्या है, ठीक है? मैं भी तो देखूँ हमारे वीडियो को कौन दोस्तों पूरा देखता है, तो जल्दी से बता दीजिए। बाकी हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स दोस्तों यहाँ पर खड़े हैं, बढ़िया चलते हैं हम नीचे। एक सेकेंड, ये जिमी यहाँ पर क्या कर रहा है? जिमी बेटे साइड हो जा। जिमी क्या कर रहा है दोस्तों यहाँ पर?
ओके एंड जिमी भाई नाराज सा क्यों लग रहा है, इसने कोई रिएक्शन नहीं दिया गाड़ी को देखकर। वेट अ सेकंड, अभी चेक करते हैं भाई क्या सीन है क्या नहीं। रुक जाओ, सबसे पहले तो भाई जिमी पागल हो गया गाड़ी को देखकर। थोड़ा यार पीछे ना अटक रही है गाड़ी, एक काम करता हूँ बाहर ही लगाता हूँ इसको। जिमी कार कैसी लगी, बैठ कर देख, गाड़ी में बैठ कर देख एक बार भाई। बाकी दोस्तों जिमी को तो कार बहुत तगड़ी लगी, जिमी अब बैठ कर देख रहा है। स्टार्ट कर ले, बस चलाना मत, चलाना मत, लाइट ऑन कर। ओ हाँ लाइट ऑन कर गाड़ी की भाई, क्या तगड़ी लग रही है दोस्तों। ट्रैवर भी यहाँ पर देख रहा है। ट्रैवर तू यहाँ पर कहाँ जाने की तैयारी में है, पागल हो गया है क्या, अभी कहीं नहीं जाना है, चल अभी घर में चल। ओ भाई जिमी बहुत ज़्यादा खुश है दोस्तों गाड़ी देख कर। लिबर्टी सिटी गया था बेटा, लिबर्टी सिटी। चलो आ जाओ घर में, आओ सब के सब, आ जा बॉडीगार्ड, रहने दे सुबह को देखेंगे अब जो भी करना है। तो गाइस यार जिमी ना मतलब बहुत ज़्यादा फिकर वगैरह कर रहा था, देखते हैं अभी यार खाने पीने के लिए लोगों ने क्या बनाया होगा क्या नहीं। चलते हैं फिलहाल अभी घर के अंदर। ऑल राइट, अरे जिमी मेरे बेटे एक बात तो बता, खाने के लिए बनाया क्या है आज? जो भी बनाया जा किचन से जल्दी से लेकर आ, मैं यहाँ पर बैठा हूँ। ऑल राइट जिमी बोल रहा है, मैं मैकडोनल्ड से बर्गर ऑर्डर कर देता हूँ आपके लिए, बट दोस्तों मेरा भी बर्गर वगैरह खाने का कुछ भी मन नहीं है। इन लोगों ने पिज़्ज़ा पार्टी कर रखी है भाई यहाँ पर, पिज़्ज़ा वगैरह खाया है क्या तुम लोगों ने? चलो मेरे लिए भी यहाँ पर फटाफट जल्दी से मंगवा लो। ऑल राइट दोस्तों थोड़ी देर बैठते हैं यार, फिर सोने वगैरह चलेंगे। ओके बढ़िया, जाओ जल्दी से यार, करो फटाफट जल्दी खाने पीने का इंतज़ाम। बैठ जा बॉडीगार्ड, तू भी बैठ जा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके तो गाइस यार जिमी ने मेरे लिए दोस्तों यहाँ पर पिज़्ज़ा वगैरह मंगवा दिया, एंड पिज़्ज़ा काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। एंड अभी ना रात बहुत ज़्यादा हो गई है दोस्तों, तो फिलहाल अभी तो यार हम जो सोने के लिए चल रहे हैं। बढ़िया, बहुत मज़ा आया दोस्तों। आ जाओ चलो सबके सब, इनको यार सबको यहाँ पर बताना है। ट्रैवर वगैरह और जिमी वगैरह मुझसे मतलब पूछ रहे हैं कि वहाँ पर मैंने लिबर्टी सिटी में क्या क्या किया क्या क्या नहीं, तो इन सबको बताना है, अभी कहानी वगैरह सुनेंगे बैठकर। एंड आज दोस्तों रात को लेट ही सोना होगा, ठीक है, बाकी कोई नहीं। एंड दोस्तों फिलहाल ना ट्रैवर रात को सैंडी शॉर्ट्स के लिए निकल रहा था, भाई किस टाइप का बंदा है यार ये। चलो कोई ना, अपने बड़े वाले बेडरूम में चलते हैं, आ जाओ दोस्तों। हाँ तो गाइज फाइनली मैं अपने बड़े वाले बेडरूम में आ चुका हूँ, ट्रैवर आ गया है, बॉडीगार्ड कहाँ है, बॉडीगार्ड भी आ गया, जिमी भी दोस्तों आता ही होगा। तो फिलहाल अभी ना थोड़ा मैं अपने फैमिली के साथ भी दोस्तों टाइम स्पेंड वगैरह कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद ना मैं सीधा यहाँ पर ना आपको सुबह मिलूँगा, क्योंकि सुबह मेरे को ना यहाँ पर रॉयल फैमिली के छोटे वारिस से भी मिलने के लिए जाना है, उसने दोस्तों मेरे को यहाँ पर बुलाया था। अन्ना वाला जो सीन है ना दोस्तों हमें यार वो भी यहाँ पर करना है, ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब भी आप सभी लोग भी सो जाइए दोस्तों, गुड नाइट, अब मैं मिलूंगा आपसे सीधा सुबह को। ऑल राइट गाइस गुड मॉर्निंग, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एक बेहतरीन दिन के अंदर। एंड मेरा बॉडीगार्ड अभी ऊपर खड़ा हुआ है, जिमी भी वहीं पर है। एंड गाइस ट्रेवर को ना इस टाइम नहाना है, वो मेरे को कह रहा है ओके तो बॉडीगार्ड को भी नहाना था क्या भाई, ये बॉडीगार्ड भी ना, चलो भाई दोनों पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं शायद से, बहुत बढ़िया। बाकी कॉफ़ी बहुत ज़्यादा मस्त है, साइड हो जाओ, चलो आ जाओ, चलो चलते हैं। बाकी इन लोगों को ना सुबह को भी मैं एक बार गाड़ी दिखा देता हूँ। एंड गाइस मेरे पास जो इतने सारे पैसे आए हैं ना, मैं जो ये चीज़ सोच रहा था कि मेरे को कोई गाड़ी लेनी है, लाइक सुपर कार, ठीक है, मैं सुपर कार तो देखो लेने की सोच रहा हूँ, बट मेरे को ना अभी ये पता नहीं चल रहा है कि मेरे को सुपर कार एग्जैक्टली कौन सी लेनी चाहिए, ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, बट समझ भी तो आना चाहिए ना कि कौन सी गाड़ी लूँ। तो मैं सोच रहा हूँ, एक टाइम पे तुम्हें याद होगा मेरा ना LS मोटर्स हुआ करता था, बट अब वो दोस्तों मेरा नहीं है, ये किंग कोबरा ने अपने नाम उसको करा लिया था, उसके बाद उसने किसी दूसरे बिजनेसमैन को बेच दिया है। तो LS मोटर्स दोबारा से रेनोवेशन वगैरह हो चुकी है उसकी, एंड वहाँ पर सुपर कार्स भी आ गई मेरे सुनने में आया है, तो भाई उसका भी होगा। अरे भाई इसके गैरेज को क्यों खोल कर रखते हो यार तुम, ये देखो कबूतर आ गए इसके अंदर, कबूतर है क्या ये? अरे यार ये पक्षी आ गए भाई इसके अंदर, पता नहीं क्या ही सीन है। चलो मेरी बात सुनो, बाकी तुम दोनों जाओ। तो गाइज यहाँ पर जिमी और ट्रैवर ना अभी घूमने के लिए जाने वाले हैं, जिमी अपनी वूडो कार्ड लेकर जा रहा है, चलो जाओ तुम दोनों। अरे रूबीकॉन को ही खड़ी कर दे, हम मोनी लेकर जाने वाले, रूबीकॉन को ही लगा दे बॉडीगार्ड, रूबीकॉन ही लेकर चलेंगे।
रूबीकॉन ये लगा दे, जा जिमी तू, मिलते हैं शाम को। तो 200 जिमी अभी ट्रैवर के साथ घूमने के लिए चला गया है, ठीक है। एंड बॉडीगार्ड ने रूबीकॉन वहाँ पर लगा दी है। तो फिलहाल मैं सोच रहा हूँ अभी ना हम ZX-10R पर चलते हैं अपने, ठीक है, ये ही सही है, इसी में मस्त मज़ा आता है। आ जा बॉडीगार्ड, बैठ, बढ़िया। तो गाइस मेरी रूबीकॉन आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। एंड यार मुझे ना इसका यहाँ पर नाम क्या रखना चाहिए गाड़ी का ये भी बताओ। बाकी जिमी और ट्रैवर किस तरफ गए हैं? ओके तो वो जा रहे हैं, इनको ना ज़रा रोकता। ओ भाई ये रे, ओ भाई जिमी क्या गाड़ी चला रहा है। जिमी आ जा, रेस हो जाए। अरे ये कौन है भाई पागल आदमी, मैं फालतू में ठोक रहा था। जिमी रुक। अरे छोड़ो, चलो रुक जा। 3, 2, 1 भाई जिमी की बूडो कार को पीछे कर दिया मैंने। भाई जिमी की बूडो कार बहुत फास्ट है वो, देखो यार। और ट्रैवर भी यार जिमी के साथ यहाँ पर मज़े ले रहा है। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं यार, इनको ना घूमने देते हैं। एंड देखो यार तुम्हें ना, चल जिमी, यार इसको बोल देता हूँ एक बारी मैं। जिमी एक सेकंड मेरी बात सुनो, अब ना शहर की तरफ तो देखो मत आना, तुम ना पीछे की तरफ ही घूम लो। फिर बीच पर मेले में जाना चाहते हो ना तो वहाँ पर चले जाओ, ठीक है, चुपचाप, और गाड़ी आराम से चलाना जा। तो गाइस जिमी चला गया, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, आपको याद होगा पिछले एपिसोड में ना उसने क्या कहते हैं, भाई जिमी भाई पागल हो गया वूडो कार को लेकर, देख रहे हो कैसे चला रहा है। पिछले एपिसोड में फ्रैंकलिन ने मुझे बताया था कि इसने ना, किंग कोबरा ने मेरा घर किसी बड़े बिजनेसमैन को दे दिया जो मेरा पुराना वाला घर था। एंड दोस्तों आपको याद ही होगा मेरी ना सबसे पहली निशानी है, तो मैं यार वो देखना चाहता हूँ कि, और वहाँ पर ना काफ़ी हाई टेक सिक्योरिटी भी है। तो एक बार ना दोस्तों रस्ते में देखते हुए चलेंगे यार हमारे घर पर ना अब क्या हुआ है क्या नहीं, ठीक है, चलिए चलते हैं। ऑल राइट गाइज, तो यार फाइनली मैं अपने पुराने वाले घर के पास ना ऑलमोस्ट पहुँच ही गया हूँ। एंड यार मैं ना कोई लोकेशन तो मतलब दिख नहीं रही कि कहाँ से खड़ा होके देखूँ। ओके गाइस मैं ना यहाँ से देख सकता हूँ कि मतलब इस घर की ना काफ़ी खतरनाक सिक्योरिटी है। बॉडीगार्ड तू ना बस गाड़ी के ऊपर ही बैठा रहना। ओ भाई घर के अंदर से ना 2 GMC निकल रही हैं। वेट अ सेकंड भाई, ये कोई लगता है बड़ा बिजनेसमैन है। वेट, इनके पीछे पीछे चलता हूँ। गाइस आप सभी लोग देख सकते हैं जो आगे वाली गाड़ी है ना उसका नंबर प्लेट भी लगी हुई, पीछे वाली की नंबर प्लेट भी लगी हुई। और ये भाई कोई तगड़ा ही मतलब VIP पर्सन है जो कि रहता है। आप सब लोग देख सकते हैं यार किस तरीके से भाई, देख रहे हो। चलो कोई ना, इनसे हमें क्या, मैं तो अपनी गाड़ी को यहीं पर खड़ा कर लेता हूँ। फिलहाल अभी सिग्नल पर रुक चुके हैं, वो चला गया एंड ये वाला भी चला गया। नाइस, ये पक्का ना कोई खतरनाक VIP रहता है यहाँ पर, ये तो चले गए। एक भाई चलो मैं ना ज़रा घर पे आसपास देखता हूँ फिर भी कितनी सिक्योरिटी है। ओके तो ये बंदा कौन है, ये तो जा रहा है ऐसे। बाकी आप घर पर देखिए दोस्तों कितनी तगड़ी सिक्योरिटी है, रेड वाली वो भी। क्या दोस्तों यार मुझे अपना ये वाला घर वापस ले लेना चाहिए, क्या मुझे लेना चाहिए या फिर नहीं, प्लीज़ एक बारी कॉमेंट करके बताओ। हमारे इस वाले घर पर ना दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड लग चुके हैं, और ये ना दोस्तों कोई SPG या फिर नॉर्मल सिक्योरिटी नहीं है, रोबोटिक सिक्योरिटी लगी हुई है, ठीक है। चलिए कोई ना, हम अपने घर को तो दोस्तों कभी ना कभी तो वापस लेंगे ही। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर से बताओ क्या मुझे अपने घर को दोस्तों यहाँ पर वापस लेना चाहिए क्या, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है गाइस, अब निकलते हैं यार हम यहाँ से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर बेसिकली किंग कोबरा भी देख सकता है इस फुटेज को, और उसी ने इसको भेजा था, ठीक है। तो सही नहीं होगा अगर तुम अंदर आओ, ठीक है, मैं बस एक गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। ऑल राइट, तो गाइज यार मैंने ना अपने बॉडीगार्ड को अंदर आने से मना कर दिया, क्योंकि इस पूरी लोकेशन का जो एक्सेस है ना कैमरास का, अब जिस बिजनेसमैन को बेचा हो क्या पता उसका पार्टनर बना हो, क्या हुआ क्या नहीं, भाई वो CCTV कैमरास की फुटेज भी देख सकता है। तो इसीलिए यार मैंने अपने बॉडीगार्ड को अंदर अपने साथ ले जाना दोस्तों सही नहीं समझा, ठीक है। तो मैं बहुत टाइम के बाद यार, पहले LS मोटर नाम मेरा हुआ करता था, एंड यार अब ये पराया हो चुका है। तो भाई जब चीज़ पराई हो जाती है ना तो तब पता चलता भाई सीन क्या है क्या नहीं, ठीक है। चलो कोई ना यार, देखते हैं कैसा स्टॉक आया हुआ है, हमें कोई गाड़ी पसंद भी आती है LS मोटर्स में या फिर नहीं। तो गाइस वाइब वही है LS मोटर में आने के बाद, काफ़ी खतरनाक वाली। That's what I'm talking about. Excuse me, मैम मुझे अपने लिए एक कार देखनी है।
जी हाँ, सुपर कार ही देखना चाहता हूँ। क्या नीचे बेसमेंट में भी कुछ आया है क्या स्पेशल? ऑल राइट, तो गाइज ये मैम बोल रही है कि स्पेशल एडिशन कार सर नीचे भी हैं, अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। एंड यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी कार्स लगी हुई हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहीं से स्टार्टिंग कर लेते हैं। ये बुढ़ा क्या कर रहा था भाई? मुझे पता ही था ये पैंथर कार के आगे ना भाई लोगों ने ना अलग ही चीज़ें मचा रखी है। बुढ़े को देखना जरा, पैंथर कार के आगे कैसे बैठा हुआ है, जैसे भाई पैंथर कार खरीदेगा ये। इस तरीके से खड़ा हुआ है, क्या ही कर सकते हैं। पैंथर कार के पास ना हमेशा से लिबर्टी सिटी में देख लो, यहाँ पर देख लो, इसके आगे भीड़ ही लगी रहती है भाई। पैंथर कार है ये एक ऐसी चीज़, इसके आगे दोस्तों भीड़ ना लगे तो और किस चीज़ के आगे भीड़ लगेगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक फरारी खड़ी है ना, फरारी भी मेरा लेने का कोई मूड नहीं है। एक लैम्बोर्गिनी खड़ी है ना, देखो ये लैम्बोर्गिनी ना मैंने अभी वहाँ पर भी चलाई थी लिबर्टी सिटी में, तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है इस गाड़ी के अंदर, ठीक है। एक लैम्बोर्गिनी टेरेजो खड़ी है यहाँ पे, स्टॉक तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया हुआ है। लैम्बोर्गिनी टेरेजो भी नो स्टेप, नो स्टेप सही है गाड़ी ये, बट एक इलेक्ट्रिक कार है। मुझे ना दोस्तों यहाँ पर एक वो चाहिए, मतलब कह सकते हैं आप एक इंजन वाले कार जिसका साउंड भी अच्छा हो। ओके, तो बाइक्स भी काफ़ी तगड़ी तगड़ी आई हुई हैं भाई। बंदे स्मोकिंग कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोलता क्या? ये कौन सी गाड़ी है? ये यामाहा की बाइक है, फुली मॉडिफाइड है, यामाहा की R1 ही होगी, बट ये काफ़ी पुराना मॉडल है। एंड उसी की तरह यहाँ पर भी एक S1000RR खड़ी है, वो भी ट्विन टर्बो वाली। आप सभी लोग देख सकते हैं इसमें ना टर्बो लगी हुई है दोस्तों बाइक के अंदर। भाई क्या बाइक है यार ये बेसिकली ना दोस्तों इसमें टेल टाइडी वगैरह लगा रखी है। काफ़ी मॉडिफाइड बाइक्स खड़ी खरीदी हैं भाई इस बार बंदे ने, ये पक्का इंपोर्टेड बाइक्स हैं। एक मेरे जैसी जैसी मेरी ZX10R है ना, सेम वैसी 200 लेवरी के साथ। नॉर्मल बाइक्स तो खड़ी नहीं है इस बार, एक दुकाटी खड़ी है, रेड वाली दुकाटी। ओके, तो एक हायाबूसा ड्रैग खड़ी है वो प्योर गोल्ड में, ये पक्का दुबई से इंपोर्ट की गई है गाड़ी, ये यहाँ की है ही नहीं, ये गाड़ी दुबई से इंपोर्ट की गई है। पीछे से ओल्ड जनरेशन की टेल लगा रखी है, एंड फ्रंट से यही है, क्या कह सकते हैं आप सभी लोग, जो लेटेस्ट एडिशन आया था हायाबूसा का, फ्रंट से वैसी ही है। हाँ, तो बाइक्स के मामले में तो सब सही है, मेरे को बाइक्स लेनी भी नहीं है। बाकी SUVs भी रखता है भाई ये बंदा, रॉल्स रॉयस कॉलिनन खड़ी है यहाँ पर। नाइस, वो बंदा शायद लेने की सोच रहा है। बेंटले खड़ी है, ओके बेंटले कुछ खास नहीं लगी। एक ये लैम्बोर्गिनी उरस खड़ी है, एंड लैम्बोर्गिनी उरस जो है ना दोस्तों, ये गाड़ी देखो, मतलब कार्बन फाइबर के पार्ट्स लगे हुए इस गाड़ी के ऊपर, बहुत ज़्यादा महंगी होगी ये भी बहुत ज़्यादा। और एक GMC खड़ी है भाई, इस गाड़ी की ना एक अलग ही लेवल की वाइब है। अभी मैंने देखा था वो जो बंदा वहाँ उस घर में से निकला था ना, उसके पास भी GMC थी, बट उसके ब्लैक शीशे वगैरह थे। GMC की गाड़ियाँ भी काफ़ी तगड़ी होती हैं भाई। बट मेरे किस काम की, मुझे सुपर कार खरीदनी है। वेट अ सेकेंड, लुक एट दिस गोल्ड सुपरा गाइज, MK4 है, सुपरा MK4 टोयोटा TRD सुपरा टर्बो, कार्बन फाइबर के पार्ट्स लगे हुए हैं भाई। हाँ वही है, पुरानी गाड़ी तो है ही यार। बढ़िया, एंड फ्रंट से कैसी है? बिल्कुल स्टॉक सुपरा है, बट ये है कि बिल्कुल नई है, बिल्कुल नई, एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं है मेरे हिसाब से, यूज़ भी नहीं हुई होगी इतनी। हाँ काफ़ी तगड़ी सुपरा लग रही है। बट मैं अगर ये सोच रहा हूँ ना कि मैं इस गाड़ी को ख़रीद लूँगा और इसको लिबर्टी सिटी ले जाकर मॉडिफाइड करवा दूँगा, ये गाड़ी बहुत महंगी होगी भाई, ये गाड़ी बहुत महंगी होगी। तो ऊपर तो मैंने ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ देख ली, इस मैम से बोलता हूँ ज़रा मेरे को नीचे जाना है। मैम मैंने ना यहाँ ऊपर सारी गाड़ियाँ देख ली है, मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लगी, मुझे ज़रा नीचे का वो देखना है स्टॉक। ऑल राइट थैंक यू। तो ये बोल रही है सर आप सीधा जाकर देख सकते हैं। तो गाइस जो मतलब ज़्यादा VIP बंदे होते हैं ना, वही जा सकते हैं नीचे भी। भाई एक टाइम पे शोरूम मैंने अपने लिए बनाया था, और अब यहाँ पर दूसरे बंदे आ चुके हैं, क्या ही कर सकते हैं यार हम। एंड इन्हें पता है नीचे किसी को भेज दो, कोई कुछ तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि गाइस
एक तो नीचे वीआईपी बंदे होते हैं, प्लस दूसरी बात ये है यहाँ पर ना गाड़ी को ऊपर ले जाना बहुत डिफिकल्ट है। वीआईपी देखा वहाँ पे वीआईपी लिखा हुआ था। तो वीआईपीस के लिए कौन सी कार्स हैं? ये फरारी पुरानी, पोर्शे खड़ी है नाइस। ये बढ़िया लग रही है, जो बात है गाड़ी भाई। मस्टैंग, लुक एट दिस ब्लू मस्टैंग, बहुत बढ़िया है। मस्टैंग के साथ साथ फिर आ जाती है यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा मॉडिफाइड कार्स। ये है दोस्तों निसान की GTR ट्विन टर्बो, बढ़िया। इसी के साथ यहाँ पर खड़ी है मर्सिडीज़ की कार, मुझे नहीं पता कौन सा मॉडल है बट ये काफ़ी अच्छी है। उसी के साथ यहाँ पर एक मक्लारन खड़ी है जो कि काफ़ी ज़्यादा डाउन है, तो मेरे को पसंद ही नहीं है। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर एक यूनिक सी कार खड़ी है भाई, इस गाड़ी को कौन ही खरीदेगा, बट खरीदने वाले खरीदेंगे भी इसको। एक ये खड़ी है यहाँ पर, एक गोल्ड में मक्लारन है एक भाई, ये अलग से ट्रक खड़ा है। एंड लुक एट दिस कार भाई साहब, इस गाड़ी के तो ऐसे ऊपर से भी कोई चढ़ सकता है। ये बेसिकली ना नई कार है बट इसके अंदर ना ऐसी लिवरी सी लगा रखी है जैसे जंग खाई हुई है। ये बेसिकली फास्ट एंड फ्यूरियस से प्रेरित करके इस गाड़ी को दोस्तों यहाँ पर जो बनाया गया है, इसके ऊपर से कोई भी कार ऐसे चढ़ सकती है, तो बढ़िया है भाई ये भी। तो दोस्तों मैंने सारा का सारा स्टॉक वगैरह तो एलिस मोटर्स का देख लिया, मेरे को काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ बेसिकली लगी हैं, ठीक है। बट मैं देखो आपको ना मेनली एक बात बताना चाहूँगा, जो सिंपली एक बात है दोस्तों, वो ये है गाइज कि गाड़ियाँ देखो सारी की सारी बहुत तगड़ी हैं, ठीक है। बट मेरे को जो कार ख़रीदनी है ना वो मैं आपसे पूछ के ख़रीदूँगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जितनी भी भाई, रूबीकॉन भी खड़ी है बट मेरी वाली रूबीकॉन ज़्यादा तगड़ी है, ठीक है। तो देखो गाइज, मैंने एलिस मोटर्स के अंदर कौन कौन सा नया स्टॉक आया हुआ है, क्या सीन है क्या नहीं, सब कुछ आपको दिखा दिया। मेरे को काफ़ी तगड़ा लगा भाई एलिस मोटर, ठीक है। नो डाउट काफ़ी अच्छा काम को इन लोगों ने कर रखा है, बहुत बढ़िया है, तो मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। तो मैं सोच रहा हूँ कोई अच्छी सी गाड़ी खरीदूंगा, एंड मुझे कार कौन सी खरीदनी चाहिए वो बताएंगे आप सभी लोग। तो फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ और मेरे को बताइए मेरे को यहाँ पर कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। बढ़िया भाई, इन गाड़ियों में इंजन वगैरह भी लग रहा है। ये कार भी अच्छी लग रही है भाई, कि इसमें इंजन वगैरह रखा जाएगा, बढ़िया। चलो भाई अपना काम तो यहाँ का डन हो गया, मैं सिर्फ बाइक देखने के लिए, सॉरी कार्स देखने के लिए आया था, अपना वो काम डन हो गया। चलो अपने बॉडीगार्ड को बिठाते हैं, निकलते हैं दोस्तों यहाँ पर रॉयल फैमिली के लिए। तो गाइज यार फाइनली मैं ना दोस्तों रॉयल फैमिली होटल पहुँचने वाला हूँ, एंड ऑलमोस्ट यार मैं पहुँच भी गया, बढ़िया। चलिए भाई बॉडीगार्ड तू ज़रा बाहर ही बैठना, मैं आता हूँ अंदर से। ओके, तो गाइज हमने बॉडीगार्ड को बिठा लिया, ठीक है। एंड अब ना मेरे को फटाफट जल्दी से कमेंट करके ना आप ये बता दो दोस्तों मुझे कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारी गाड़ियां मैंने देखी दोस्तों एलिस मोटर्स के अंदर, तो जिस गाड़ी के लिए सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे ना दोस्तों, मैं वही वाली कार अपने लिए दोस्तों यहाँ पर जो है ख़रीदने वाला हूँ। क्योंकि अभी इस टाइम दोस्तों मेरे पास पैसा है और मैं चाहता हूँ कि मैं एक शानदार सी कार खरीदूँ अपने लिए, ठीक है। क्योंकि यार बहुत टाइम हो गया मैं ऐसे ही नॉर्मल सी गाड़ियाँ वगैरह चला रहा हूँ, तो मेरा भी मन है यार, मैं भी चाहता हूँ कि मैं कोई अच्छी सी कार एकदम बेहतरीन सी यूज़ करूँ, ठीक है। तो प्लीज़ बताना, ठीक है। ऑल राइट, ओके, क्या बात है जी। अरे आपको तो पता है मैं लिबर्टी सिटी के लिए निकल गया था, जी जी जी। तो ये बोल रहे हैं दोस्तों यार तुम्हें माइकल एक हफ्ता हो गया यार, तुम तब से वहीं पर हो। ओके, क्या हमारे सिर के ऊपर से पानी जा चुका है वाकई में। तो गाइज यहाँ पर रॉयल फैमिली का दूसरा वारिस एंड बिजनेसमैन भी दोस्तों यहाँ पर आया, इनका बिजनेस पार्टनर जो है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है छोटे वारिस से, क्योंकि दोस्तों जो अन्ना है ना उसकी वजह से उसने बहुत सारे बिजनेस पर ना दोस्तों टेक ओवर कर लिया है, जो कि लिबर्टी सिटी से आता था दोस्तों, इंपोर्ट हुआ जाता था यहाँ पर, ठीक है। और उसने ना गाइज मतलब मैं आपको बताऊँ बहुत सारे बिजनेस बंद कर दिए यहाँ पर रॉयल फैमिली के, उन्होंने अपना कब्ज़ा दोस्तों यहाँ पर कर लिया जब से वो यहाँ का चेयरमैन बना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर रॉयल फैमिली का साथ जो बिजनेस पार्टनर है दूसरा मेंबर भी है, एंड गाइस जो छोटा वारिस है वो सब ये चाहता है कि मैं दोस्तों यहाँ पर अब फाइनली अन्ना को किडनैप कर लूँ। जब तक हम अन्ना को किडनैप नहीं करेंगे ना तब तक दोस्तों हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं।
एंड आपको तो याद ही है दोस्तों, अन्ना के घर पर हमने अपनी सिक्योरिटी गार्ड्स लगा रखे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है यार। अब मुझे अन्ना को फाइनली किडनैप करना ही होगा, तभी दोस्तों हम किंग कोबरा के पास तक भी जाएंगे, एंड तभी दोस्तों मैं अपना यहाँ पर इल्यूमिनाटी लॉकेट भी वापस लेकर आऊँगा, ठीक है ना। ओके तो ठीक है यार, मैं फ़िलहाल निकलता हूँ, एंड मुझे उम्मीद है कि मैं आप सभी लोगों के पास ना एक अच्छी खबर लेकर ही पहुँचूंगा, उससे पहले तो कभी भी नहीं। ऑलराइट चलते हैं दोस्तों, मुझे ना अब रॉयल फैमिली के पास भी ना दोस्तों एक अच्छी खबर लेकर ही पहुंचना होगा, वरना तो यार काफ़ी ज़्यादा ना बदनामी हो सकती है मेरी भी, ठीक है। एंड मैं नहीं चाहता कि भाई मेरी मतलब इतनी छोटी सी बात को लेकर दोस्तों कुछ भी बदनामी वगैरह फिर कुछ भी हो, ठीक है। चलो बाकी मेरा बॉडीगार्ड तो यार गाड़ी के ऊपर ही बैठा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भाई एक बात है मेरे बॉडीगार्ड की, जो मैं बॉडीगार्ड को समझा देता हूँ ना कि बॉडीगार्ड ऐसे नहीं वैसे करना है, तो बॉडीगार्ड ना दोस्तों सारे के सारे कारनामे वैसे ही करता है, ठीक है। चलो बढ़िया चलते हैं अपनी ZX10R के ऊपर। अभी हमें उसके लिए ना जो उसका बंदे का घर है काफ़ी दूर है दोस्तों, तो चलो सबसे पहले फिलहाल अभी हम अन्ना के घर के लिए निकलते हैं। हमें पहुंचने में कम से कम नहीं तो दोस्तों 10 से 15 मिनट लगने वाले हैं, बट कोई ना। एंड आज दोस्तों मैं अन्ना को किडनैप करके रहूँगा, अब चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी यहाँ पर करना पड़े या फिर कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, ठीक है। चलेगा इस चलते हैं अन्ना के घर की तरफ। ओके तो गाइज यार फाइनली हम अन्ना के घर के बिल्कुल पास पहुँच गए हैं, एंड हमारा प्लान ये है दोस्तों कि मैं अंदर जाऊंगा, सबसे पहले मुझे देखना है कि अन्ना कहाँ पर होगा कहाँ पर नहीं, ठीक है ना। हमारे जो बॉडीगार्ड्स थे उन्होंने ये बात कंफर्म कर दी कि अन्ना इस टाइम घर पर ही है, ठीक है। चलिए ये भी दोस्तों बढ़िया हो गया, अन्ना फ़िलहाल अभी घर पे ही है। एक काम करता हूँ, रुक जाओ, अन्ना को मैं अकेला किडनैप करूँगा, अंदर गाड़ियाँ भी होंगी। बॉडीगार्ड मेरी बात सुन, गाड़ी से उतर, इधर आ इधर आ। अरे बॉडीगार्ड इधर आना, मेरी बात सुन। हाँ तू ना यहीं पर रहियो, नहीं कुल्हाड़ी से नहीं काटना उसको बेवकूफ़ आदमी, मैं जा रहा हूँ ठीक है, एंड मैं उसको पकड़ के ना यहीं पर बाहर लाऊंगा। तू ना गाड़ी ले करना, यहीं पर मेरे इंतज़ार कर, ठीक है। इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं तेरे को। ऑल राइट दोस्तों, ये यहाँ पर अपना गाड़ी वाड़ी घुमा रहा है, मैं पीछे वाले रास्ते से उसके घर में एंट्री लेने की कोशिश करता हूँ। चलिए बढ़िया, बाकी यहाँ पर घास वास तो बहुत ज़्यादा है दोस्तों। चलो मुझे ना दोस्तों अन्ना के घर में जाना है, बस एक बारी ना मेरे को अन्ना अंदर दिख जाए। बढ़िया आराम से, एक तो यार झाड़ियाँ वगैरह इतनी बड़ी बड़ी है ना, क्या ही कर सकते हैं इनका। चलो बढ़िया दोस्तों, अन्ना को किडनैप करना काफ़ी ज़्यादा इजी है, जो सिक्योरिटी है वो भी कुछ नहीं बोलेगी, तभी तो हमने अपनी सिक्योरिटी ला कर दी है। इजी तरीके से मैं यहाँ पर तो आया, बढ़िया। गाइज मुझे ना स्विमिंग पूल की चीज़ नहीं समझ आती, देख रहे हो कांच लगवा रखा भाई अन्ना ने, यहाँ से तो भाई मैं दिख जाऊँगा। अब ना मेरे को इसके घर के अंदर एंट्री लेनी है, बैक की साइड ना कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। तेरी आवाज़ हो गई भाई। चलो कोई ना, फिलहाल एक काम करता हूँ, इधर से ना वही ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ आराम से। बढ़िया, ओ भाई वेट अ सेकंड भाई, वो रहा अन्ना, दिख रहा है क्या आपको? रुक जाओ मैं ना इधर से जाके दिखाता हूँ आपको, रुक जाओ। वो ना आया होगा पक्का देखने के लिए कि किस चीज़ का शोर है। आराम से माइकल, आराम से भाई, अन्ना ना देख ले। रुक जाओ, कहाँ गया? अभी तो नहीं था वो। गाइज वो आया, आ गया, वो देखो वो रहा। तो गाइज अन्ना है यहाँ पर एंड चला गया, तो इसका तो पता चल गया मुझे कि भाई वो ना घर पे ही है, ये तो बढ़िया है। चलो अब एक काम करता हूँ, चुपके से ना सबसे पहले इसके घर में ना एंट्री लेता हूँ। ओके तो गाइज यार मैंने ना गन निकाल ली है, एंड अन्ना वो देखो वो रहा। ओके रुक जाओ, मुझे ना आराम से पहले घर के अंदर ना एंट्री लेनी है। एक काम करता हूँ, AK-47 निकालता हूँ, इससे कुछ नहीं होगा, इससे तो डरेगा भी वो। बाहर आ रहा है क्या?
नहीं नहीं बाहर बाहर तो कहीं नहीं आ रहा। झाड़ी उतनी बार आया, उधर चला गया। अभी दोस्तों वो ना बाहर आने वाला था भाई, अभी देख लेता ना कांड हो जाता। ओके आ रहा है, रुको मैं झाड़ियों में चलता हूँ। छुप जा माइकल, छुप जा। नहीं देखा। स्विमिंग पूल में नहा के नमकीन होना चाह रहा है। ओके अन्ना तो दोस्तों स्विमिंग पूल में नहा रहा है इस टाइम, वो रहा बढ़िया। मैं ना इधर पीछे छुपता हूँ, आने दो पहले उसको। बाकी ये देखो मैं ना बॉडी गार्ड्स के सामने जाऊँगा, बॉडी गार्ड्स कुछ भी नहीं बोलेंगे। ये देखो आप भाई बॉडी गार्ड, अरे पेल के रख दूंगा तुझे। दोस्तों बॉडी गार्ड हंस रहा है, देख रहे हो उसे पता है कि भाई मैं माइकल हूँ। एंड भाई अन्ना की गाड़ियाँ वगैरह तो देखिए भाई साहब, सारी की सारी गाड़ियाँ तो है, रॉल्स रॉयस कॉलोनन दो दो है इनके पास भाई, क्या बात है, बढ़िया। अब एक काम करता हूँ मैं ना मेन डोर से, अन्ना दिखा मेरे को अंदर आता हुआ दिखा, मैं मेन डोर के बाहर ही खड़ा हूँ। अब ये ऊपर जाएगा मेरे ख्याल से अपने बेडरूम की तरफ और बस वहीं दबोचूंगा इसको। भाई 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 इधर से आया अन्ना, इधर से आया। छुप जा। भाई अन्ना आया। इसको शक हो रहा है क्या मेरे ऊपर, क्या कर रहा है यहाँ पर, गाड़ियाँ देख रहा है क्या अपनी? दोस्तों गाड़ियाँ देख रहा है, इधर ही आ रहा है। अपनी गाड़ियाँ वगैरह चेक कर रहा है भाई वो। रुको ज़रा कि जा रहा है अंदर, इसके पीछे पीछे चलूँगा और तेरा हुआ खेल ख़त्म। अन्ना के बच्चे, फिर उठाना अपनी हाथ बस, बढ़िया। चल बॉडीगार्ड साइड हो, अब आएगा दोस्तों असली मज़ा। कहाँ गया, ऊपर गया है क्या शायद, पहले इधर उधर देख लेता हूँ। मेरे ख्याल से दोस्तों ऊपर ही गया है वो, ऊपर से आवाज़ आ रही है उसकी। चल अन्ना अब बेटा तुझे कोई नहीं बचा सकता है, कहाँ अब बताता हूँ मैं क्या चीज़ हूँ। चल अन्ना हाथ ऊपर कर ले, और अगर तूने इतना सा भी कुछ भी करने की कोशिश की ना तो मेरा नाम भी माइकल डिसेंटा है, कसम से बता रहा हूँ तेरी कुल्हाड़ी से ना तेरा ही सिर काट के रख दूंगा। अब तुझे मुझसे यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता है। गाइज अब मुझे भी नहीं पता दोस्तों यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं, मैंने फाइनल यार अन्ना के ऊपर एम तो कर लिया है, नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है दोस्तों मुझे भी बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। एंड क्या मैं यहाँ पर अन्ना को दोस्तों किडनैप कर लूँगा या फिर नहीं कर पाऊँगा, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताओ मेरे भाइयों, ज़रूर से, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब अपने भाइयों के कमेंट्स को सबसे पहले मैं यहाँ पर दिल भी देना चाहूँगा, मैंने अपने बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स को दिल भी दिया। 7709 लेट्स वोट फॉर डेली एपिसोड, भाई रिप्लाई कर देना प्लीज़। यस मेरे भाई महाराजा सिंह बहुत बढ़िया। 7709 हाय भाई फ्री फायर की वीडियो कब आएगी भाई, एक न्यू डिफेंडर लो ना भाई, रॉयल फैमिली के वारिस को सुपर कार्ड ले लो वो मना नहीं करेगा, प्लीज़ ले लो। अरे भाई मैं ऐसे किसी से क्यों लूँ, आरिश पर बॉडी गार्ड भी कॉल लेने की सोच रहा है, आप उसको गिफ्ट करो, उसे मैं बात से प्यार करो। यार गाइस बहुत सारे लोगों ने ये बात बोली है मुझे, क्या मुझे अपने बॉडीगार्ड को भी कोई गाड़ी गिफ्ट करनी चाहिए क्या? यार बेचारा वो भी भाई, हाँ अरे रोज़ा पहन नहीं जाता है, ठीक है। एक आज भाई जो तुमने तीन टाइम लिया था वहाँ आपने ले लो, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनस भाई हमारे चैनल की मेंबरशिप लेने के लिए। अरिश भाई किसी के नीचे काम मत करो, सबको आपके नीचे रखो, समझ जाओ भाई। अभी ना थोड़ा स्ट्रगल टाइम चल रहा है, ठीक है, मैं नीचे अपने रखूँगा सबको, टेंशन मत लो तुम बिल्कुल भी अभी।
हैव इंजॉयड। भाई आपका इल्यूमिनाटी लॉकेट कहाँ है? अभी किंग कोबरा के पास है, मुझे भी उसको अपना वापस लेना है, ठीक है? जब तक अभी मैं उसको अपने लॉकेट को मैं वापस नहीं ले सकता हूँ, तब तक ना मैं बहुत ज़्यादा बेबस टाइप हूँ, ठीक है? तो उसको वापस लेने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी लिटरली। भाई प्लीज़ मुझे पिन कर दो। फ्रैंकलिन को क्यों नहीं दिखाते? भाई फ्रैंकलिन आजकल अपने उसमें रहता है, तेवर को नया अंडे की पूरी इमेज खराब करके तेवर है। भाई ये पता नहीं क्या क्या लोग डालते रहते हैं कमेंट में। सेवन सेवन जीरो नाइन नाइस एपिसोड। 7709 7709। प्लीज़ मेक प्लीज़ टेक माई नेम निहाल सिंह। हेलो मेरे भाई निहाल सिंह, कैसे हो आप? 7709 भाई न्यू सिक्योरिटी भी ले लो, ठीक है? भाई ले लेंगे। भाई घर के नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग और बेस बनाओ, ठीक है मेरे भाई? भाई डिले वीडियो लाओ, ठीक है भाई? डिले डिले ये डेली कौन कौन चाहता है? आरिश भाई पैंथर ले, ठीक है भाई? जो जो चाहता है ना मैं पैंथर लूँ तो फटाफट बता देना, फिर मैं पैंथर भी ले लूँगा। भाई थोड़ा जल्दी वीडियो डाल दिया करो, वेट नहीं होता वीडियो का। शुक्रिया, इतने दिन हो गए आपने कमेंट नहीं पढ़ा। आपने किसी रॉयल फैमिली ज्वाइन की डिटेल्स? भाई मेक पहन रखो। भाई बढ़िया 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 भाई, एक्सयूवी कार्स परचेज करो। एक तो लोग बाग पता नहीं किस टाइप के कमेंट्स करते रहते हैं भाई। बढ़िया आयुष भाई, हॉर्स लो, ठीक है भाई? हॉर्स लेंगे। आई लव यू टू मेरे भाई। 7709 ये बेसिकली मेरे घर का लोग बोल ही रहे हैं। इस घर के बारे में ना बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर ही रखे कि आयुष भाई घर लो घर लो घर लो, तो मैं सोच रहा हूँ चलो कोई नहीं घर लेंगे दोस्तों। 7709 7709। शेडो गेमर्स क्राइंग इन द कॉर्नर। ओ भाई 7709 माइकल द ब्लेनर है, हाउस नंबर 7709। बढ़िया बढ़िया भाई, मेरा भी कमेंट पढ़ो भाई, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। हेलो भाई, आप रॉयल फैमिली के सीनियर मेंबर हो ना, आपके पास 6 सिक्योरिटी गार्ड हैं ना, आपके पास ज़्यादा नहीं चाहिए भाई? पैसे लिए और सिक्योरिटी और बढ़ा दीजिए, पूरे घर के लिए मेन मिसाइल। तो लोग कह रहे हैं कि अपने मेन मिसाइल भी लो, एवी स्मार्टी का नाम बोल दो एक बार वीडियो में, ठीक है? मैं ना सोच रहा हूँ अपने आने वाले वीडियोस में ना अपने सब्सक्राइबर्स के कुछ फ़ोटोज़ वगैरह अपने घर के अंदर लगाऊँ, ठीक है? तो प्लीज़ मेरे को ना इंस्टाग्राम पे आ जाओ, जो जो लोग ये चाहता है, ठीक है? रॉयल फैमिली के वारिस की तरह ब्लैक मास्क लो, बिगेस्ट हाइस्ट एंड अन्ना की किंग कोबरा हाउस, बाय द फॉर्मल वन स्पोर्ट्स कार, बाय रोल्स रॉयस, बाय न्यू मोल लिबर्टी क्लास कंटेंट लिबर्टी फैमिली। अभी अपने जो होटल खोला भाई फैमिली का, ठीक है मेरे भाई समझ गया मैं। सुपर कार्स लो मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। कोबरा पर अटैक करो, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक टेक्निकल पॉइंट ओपी, थैंक यू सो मच। तो गाइज मैंने ऑलमोस्ट जितने भी मेरे भाइयों के यहाँ पर कमेंट्स वगैरह थे ना, मैंने ऑलमोस्ट सभी के कमेंट्स वगैरह दोस्तों यहाँ पर जो है रीड वगैरह कर लिए हैं। एंड मुझे अब यहाँ पर पता चल गया दोस्तों मुझे अपने नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ पर करना क्या है। बहुत सारे लोग दोस्तों इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, ठीक है? अब ना मुझे किंग कोबरा का कुछ ना कुछ दोस्तों यहाँ पर करना ही होगा, ठीक है? जब तक मैं उसको कुछ बड़ा नुकसान नहीं पहुँचा देना, तब तक भाई मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी सुकून वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है? एक पर ये अन्ना अब हमारे हाथ लग जाए ना, तो देखते हैं अभी क्या होता है, वो तो नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। बाकी मुझे उम्मीद है कि आज का अगर एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी दोस्तों अपना प्यार बनाए रखें, एंड 3000 लाइक का इस वीडियो पर मैंने एम किया था। मेक श्योर कि आप 3000 लाइक दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट करवा ही देंगे दोस्तों, ठीक है? तो प्लीज़ यार 3000 लाइक यहाँ पर कंप्लीट ज़रूर करवा देना। बाकी मैं मिलूँगा आपसे लेटेस्ट और ब्रांड वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सब लोगों को अपना ख्याल रखना है दोस्तों, खुश रहिए, बाय बाय।